मैंने खाना निकाल लिया थाली में। आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी सब्ज़ी बन चुकी है। आप इसको सूखी सब्ज़ी भी बनाते हैं बहुत सारे लोग, मैं तो गीली बनाया हूँ, चावल बनाया था ना इसलिए। आप देख पा रहे हैं रोटी बढ़िया से। हेलो दोस्तों, आज का जो मेरा ब्लॉग रहने वाला है, आप देख पा रहे हैं पालक और आलू की सब्ज़ी रहेगी। अच्छे से मैंने देखो पालक को धो लिया है और काट चुका हूँ मैं, और मैंने देखो वही आलू भी ऐसे ही सेम धो के अच्छे से काट लिया है, और मैंने सारी ये लहसुन प्याज अदरक मिर्च मैंने काट ली है वो सारी चीज़ें, और मैंने इधर कढ़ाई चढ़ा दी है। मैं इसमें तेल डाल दूँगा, मैंने तेल डाल दिया है और गरम हो चुका है। मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। देखो अच्छे से लहसुन प्याज सारी चीज़ें बढ़िया से ब्राउन हो चुकी हैं। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगा, आलू फ्राई होगी मेरी थोड़ी देर। नमक डाल दूंगा अच्छे से, तब फ्राई करूंगा स्वाद अनुसार। अब नमक डालें इसमें, आप देख पा रहे हैं मैंने मसाला ले रखा है, हल्दी ले रखी, सब्ज़ी मसाला ले रखा। आलू मेरी फ्राई हो चुकी है, मैं इसी में मसाले डाल दूंगा। अच्छे से मसाले को मिला दिया है। अब मैं इसमें पालक डाल दूंगा। अब मैं इसमें पालक डाल दे रहा हूँ। अब मैं इसको ढक दूंगा। टमाटर काट लिया है मैं, अब मैं इसको ढकता हूँ। देखो पलांकी ने कितना पानी छोड़ रखा है, इसको मैं काफ़ी देर तक और पकाऊंगा जब तक पानी जल नहीं जाएगा। मैंने टमाटर काट लिया था, मैं इसी में टमाटर डाल दूंगा, इसको मैं ढक दूंगा। अब मैं इसको फिर से देख लेता हूँ, देख पा रहे हैं बढ़िया से काफ़ी पानी जल चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगा। बहुत सारे लोग पालक आलू की सूखी सब्ज़ी बनाते हैं, और सूखी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, मगर मैं थोड़ी गीली खाता हूँ। इसको बढ़िया से चला के इसको ढक देंगे। अब मैं इसी में धनिया डाल दूँगा। अब मैं इसको बढ़िया ढक के रख देता हूँ। पूरी तरह मेरी सब्ज़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं गैस को बंद कर देता हूँ। सारा खाना रेडी हो चुका है, मैं देखो खाने चला। मैंने खाना निकाल लिया थाली में। आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी सब्ज़ी बन चुकी है। आप इसको सूखी सब्ज़ी भी बनाते हैं बहुत सारे लोग, मैं तो गीली बनाया हूँ, चावल बनाया था ना इसलिए। आप देख पा रहे हैं रोटी बढ़िया से। मेरा ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा बना। धन्यवाद।